ये स्क्रिप्ट ऑफर हुई थी जब इस फिल्म का मुहूर्त हुआ था, बट कुछ रीजन से फिर शायद मैं फाइनलाइज नहीं हुई थी, लेकिन मुझे कुछ दिन पहले फाइनल किया गया। जब मुझे स्टोरी सुनाई तो मुझे काफ़ी पसंद आया और मेरा किरदार भी काफ़ी अच्छा है, जो हर एक आर्टिस्ट को ऐसा रहता है कि मैं एक अच्छा किरदार निभाऊं फिल्म में, तो बहुत अच्छा किरदार है मुझे, और मुझे इसकी स्टोरी भी बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। डायरेक्टर हैं वो, जब आप नरेशन देने बैठे तो फिल्म की स्टोरी बोर्ड के हिसाब से क्या सोच के आपने अपने किरदार को वहां बोला? जब सर ने ऑफर किया मुझे फिल्म, तो पहली चीज़ तो मुझे इनके साथ काम करना था। मैंने अभी तक सारे डायरेक्टर के साथ काम किया है और मैं चाहती थी कि मैं इनके साथ भी काम करूं। जब इन्होंने मुझे नरेशन दिया फिल्म का, तो मुझे मेरा कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया, तो मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया। मुझे अब कैरेक्टर सुनाया गया कि आपका ये किरदार है, आप फिल्म में ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो मुझसे ना नहीं कहा गया, तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया इस फिल्म के लिए। किरदार की अगर बात करूं आपके, तो कितना पावरफुल रहेगा अदर टाइप फिल्मों से? मैंने हर फिल्म में मेरे अलग से किरदार रहे हैं, मैंने काफ़ी डिफरेंट रोल प्ले किए हैं, मेरी ऑडियंस को पता है, मेरी ऑडियंस हर बार उम्मीद करती है कि मैं कुछ अलग प्ले करूं कैरेक्टर। तो इसके अंदर भी एक ऐसा कैरेक्टर है कि एक ऐसी लड़की है जिसके अंदर अलहड़पन ज़्यादा है, बड़ी हो चुकी है लेकिन बचपना उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत डोमिनेटिंग टाइप की है, जिससे कि कोई किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो कि चीज़ें हो रही, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और हीरो के प्रति जो उसका आकर्षण रहता है, वो इस तरीके की उसे ऐसा लगता है कि हीरो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मीन्स कि कुछ चोरी लपाटी कुछ भी करके आया और फिर गरीबों में बांटना, फिर कैसे वो उसको इम्प्रूव करती है, फिर कैसे उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। ये लड़की कहीं ना कहीं इश्क भी करती हुई नजर आएगी फिल्म में, तो जी आपकी हाँ, पार्ट मैंने इसमें है। आज तक मेरी सारी फिल्मों में इश्क किया है, तो मैं इसमें मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगी। अगर मैं इस पैनल की बात करूँ, प्रोड्यूसर की बात करूँ, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे हैं दोनों प्रोड्यूसर हमारे, जो रितु जी हैं और आदित्य जी हैं। पहली बात तो बहुत अच्छा नेचर है उन लोगों का, बहुत कोऑपरेटिव है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे अगर मुझे इन लोग की फिल्म ऑफर होगी तो मैं वो भी ज़रूर करना चाहूँगी। ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे फाइनली? फाइनली मेरे ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरी सारी फिल्मों को बहुत पसंद किया है, मुझे बहुत पसंद किया है, मेरे किरदारों को बहुत पसंद किया है। उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म में भी मैं 100% दूंगी, लेकिन आप इस फिल्म जब रिलीज़ होगी तो आप ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा। डंडनायक, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। डंडनायक नाम में एक डंडनायक और दंड देने वाला नायक। किरदार की अगर बात करूं, देखिए, किरदार की जहाँ तक बात की जाए तो एक तो मैं साफ सुथरा इंसान वैसे भी हूँ और सीधा भी हूँ, लेकिन फिल्म में आपको सीधे के साथ साथ भोलेपन के साथ साथ मेरे एक नया अवतार देखने को मिलेगा आप लोगों को। वो अवतार कैसा होगा? नायक, दंड देने वाला या नायक? देखा जाए तो दंड देने वाला भी और नायक भी, ये तो फिल्म है। और जहाँ तक डंडनायक की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। क्या ये अवतार बन के डलना है, वो कैसा लगने वाला है, क्या किस नामों से जाना जाएगा था ये किरदार ऑडियंस की नजरों में? देखिए, किरदार का जो नाम है वो तो बिरजू है, और जहाँ तक बात है कि मैं कभी बचपन में सोचता था, या जब मैं फिल्म लाइन में आया था तो मैं ये सोचता था कि जो एक किरदार मैं करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे मन में चलता था शायद मुझे ऐसा काम मिले, और मुझे ऐसा काम मिला और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं इस काम को करने में और अपनी जो मेहनत है वो मेरी रंग लाएगी। अगर आप प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बात करें तो किस तरह से खरे उतरने वाले हैं उनकी नजरों में? देखिए, सबसे पहले तो रुद्राक्ष फिल्म्स को बहुत बहुत धन्यवाद, रितु जी और आदित्य जी और हमारे दोस्त की तरह रामपाल जी, डायरेक्टर साहब अच्छे दोस्त भी है और डायरेक्टर भी है, उनके साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है हमें। और रितु जी और आदित्य जी की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी एक फिल्म मैंने किया ऑलरेडी, माता रानी कर दा बेड़ा पार, और लोगों को बहुत पसंद भी आया, उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया है, ये मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली बात है। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? फाइनली ऑडियंस से तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ने मुझे रोमांटिक में देखा है, हर चीज़ में देखा है, इस पर एक एक्शन अवतार में देखेंगे आप लोग मुझे, प्रियंका पंडित के साथ देखेंगे, और प्रियंका पंडित जी के साथ मुझे रोमांस करते नजर आएंगे, देखेंगे आप लोग। अरे झगड़ा करने बाद देखेंगे उसके बाद नहीं, देखेंगे। पहले तो अच्छे से झगड़ा होगा जो हर फिल्मों में होता है, इसमें जो झगड़ा बहुत अलग है, ये मुझे सुधारने की कोशिश करती है हर हर जगह झगड़ा ही पे, झगड़ा ना, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी बातों में चुपड़ी चुपड़ी बातें, ऐसे भी चुपड़ी है भी ये, एकदम मीठी मीठी बातें करेंगी तो मैं इनकी इस बातों में आ भी जाऊँगा और फिर आपको नया अवतार देखने को मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद।